हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा कि शेप्स का यूज करके, कोई भी बेसिक शेप्स का यूज करके कुछ भी चीज़ कैसे ड्रॉ कर सकते हैं आप लोग। तो दोस्तों, मैं यहां पर आज इस वीडियो में कुछ बेसिक शेप्स को लूंगा और उसकी हेल्प से कोई भी चीज़ को ड्रॉ करके बताऊंगा। तो इस वीडियो में ओनली जो है बेसिक्स जो है चीज़ है उसको ही लेंगे, ठीक है। तो वीडियो को आप लोग अच्छे से समझने का कोशिश कीजिएगा और बनाने का भी ट्राई कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं नॉर्मल पेंसिल का ही यूज करूँगा। देख सकते हैं आप लोग, कोई सा भी नॉर्मल पेंसिल आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों, आप जैसे कोई भी चीज़ ड्रॉ करना है तो आप घर के ही ऑब्जेक्ट से, कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, चाहे घर में कुछ भी हो रखा, उसको लेकर के रख के आप लाइव ड्रॉ कर सकते हो। इससे आपको रेफरेंस की भी ज़रूरत जो है नहीं पड़ेगी, ठीक है। बिगिनिंग में तो आप लोग ऐसा ही कीजिए, कोई भी चीज़ होगा अपना यूज करते हैं ना मटेरियल, उसको ही रख दो और ड्रॉ करो। तो मैं यहाँ पर आपको ये शार्पनर जो है वो ड्रॉ करके, ठीक है, बताता हूँ। ओके, तो देख सकते हैं यहाँ पर मैं शार्पनर रख लिया हूँ और मैं ड्रॉ करके आप लोग को बताता हूँ। दोस्तों, मैं यहाँ पर क्यूबॉइड को ड्रॉ कर रहा हूँ, तो मैं क्यूबॉइड की मदद से इस शार्पनर को ड्रॉ करूँगा। तो दोस्तों, मैं पिछले वीडियो में ही बताया था कि सिंपल्स, एंगल्स, लाइंस और कोई भी शेप्स जो है वो सब ड्रॉ करना क्यों नीड होता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि आप दुनिया का कुछ भी ड्रॉ करो, कुछ भी चीज़, तो ये शेप्स, एंगल्स, इससे जो है आप इजीली ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। इसके जो क्या फ़ायदे हैं तो आप लोग को ना धीरे धीरे पता चलेगा जब आप ऐसा ही प्रैक्टिस करते रहोगे। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को देखिए, मैं कैसे कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ इस शार्पनर को। तो दोस्तों, आप लोगों को लग रहा होगा कि जो ये शार्पनर है थोड़ा अलग एंगल में दिख रहा है, तो दोस्तों मुझे ऐसा ही दिख रहा है। आप लोगों को यहाँ पर कैमरा में कुछ अलग लग रहा होगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप भी ऐसे ही अपने सामने ऐसे शार्पनर्स या कुछ भी रख सकते हो जो कि कोई भी शेप्स का हो सकता है, तो आप ऐसे ही ड्रॉ कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारा जो है शार्पनर ड्रॉ हो चुका है, देख सकते हैं। अब मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इरेजर को, देख सकते हैं आप लोग। इससे भी जो है, इसको भी मैं क्यूबॉइड की हेल्प से ही ड्रॉ करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्यूबॉइड पहले ड्रॉ कर ले रहा हूँ, उसके बाद जो है ये इरेजर को मैं स्ट्रक्चर वाइज ड्रॉ करते जाऊँगा। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए और जो है समझने का ट्राई कीजिए। दोस्तों, मैं इस बार इसे ड्रॉ कर रहा हूँ, तो मैं इसे फोटो क्लिक करके आप लोग को ड्रॉ करके बताता हूँ। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पर रेफरेंस में देख सकते हैं कि आप लोग को सिलेंडर का शेप दिख रहा होगा। तो मैं यहाँ पर सिलेंडर का ही स्ट्रक्चर जो है वो जो है शेप जो है वो ड्रॉ कर रहा हूँ सबसे पहले, उसी से जो मैं इसे ड्रॉ करूँगा, देख सकते हैं आप लोग। तो दोस्तों, इस बार मैं इस बोतल को ड्रॉ करके बता रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर ओवल का जो है स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ, उसके बाद मैं लाइन जो है ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। और फिर नीचे भी जो है मैं यहाँ पर ओवल को ड्रॉ करूँगा। पहले मैं यहाँ मेज़रमेंट कर ले रहा हूँ, तो देख सकते हैं यहाँ पर भी मैं
ओवल को जो है ड्रॉ करूँगा, ठीक है। इससे जो है इजी होगा बनाने में, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं मीज़रमेंट कर रहा हूँ कि दोनों साइड इक्वल है या नहीं है। अब नीचे भी इसी टाइप से सेम ऐसा ही करेंगे। तो आप लोग देखिए वीडियो को और समझिए। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताया कुछ बेसिक शेप्स का यूज करके कुछ ड्रॉ करने के लिए। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कुछ और सब्जेक्ट्स का यूज, थोड़ा मतलब टफ सब्जेक्ट लेंगे और बेसिक्स शेप्स का ही यूज करके मैं ड्रॉ करके आप लोगों को बताऊंगा। तो आप लोगों को ये वीडियो आई होप कि हेल्पफुल लगा होगा। तो आप लोग ऐसे ही सीखना चाहते हैं ड्रॉइंग तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।